बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास फाइव इस्लामियत की रीडिंग बुक सफ़ा नंबर 10 का जो है वो हम रीडिंग कर चुके थे, आज हम इसकी बाकी रीडिंग करेंगे। सूरतुल फजर में है, और इस दिन जहन्नुम लाई जाएगी। जहन्नुम लाई जाएगी मतलब इंसान के सामने। इस दिन इंसान सोचेगा और इसे सोचना कहाँ नफ़ा देगा, नफ़ा मतलब फ़ायदा, कहेगा ए काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए पहले नेक अमल भेजा होता। क्या आप समझ आई आपको इस बात से कि जब इंसान मर जाएगा उसको दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो जब उसके सामने जहन्नुम लाई जाएगी तो वो सोचेगा कि क्या काश मैं ये सब ना करता, और तब उसके वो काश कोई फ़ायदेमंद नहीं होगी, उसके लिए कोई नफा उसको नहीं देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन का तर्ज अमल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे नेक बंदे होने के बावजूद हमेशा आखरत की फिक्र में लगे रहते थे। मतलब जिसकी खातिर हज़रत अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, वो हज़रत मोहम्मद सल्लम हर वक्त आखरत की फिक्र में लगे रहते थे, तो हम उनके आगे क्या है। आप ने दुनिया के ऐशो आराम की कभी परवाह ना की, बहुत सादा जिंदगी गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा वक्त नेक अमाल की अदायगी और अल्लाह के पैगाम की तबलीग में गुजरता, इसके बावजूद रातों को भी इबादत करते थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए, नक्शे कदम मतलब जो काम आप सल्लम ने किया सहाबा किराम ने भी वही किया, हर वक्त आखरत की ही फिक्र में लगे रहते। उन्होंने तमाम उम्र लोगों की खिदमत में लगा दी और नेकी का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया। क्या आप जानते हैं रास्ते से तकलीफ दह चीज़ का हटाना, दूसरों को अच्छी बात बताना और मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। तो आप लोगों ने सबसे पहले यह बात ज़रूर करनी है कि अगर कोई ये सारे पॉइंट जो हैं इन पर आपने अमल करना है। नेक बंदों का तर्ज अमल, अल्लाह ताला के नेक बंदे हर वक्त आखिरत की तैयारी में वक्त गुजारते हैं, नमाज अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करते हैं और वालिदैन का हुक्म मानते हैं। छोटी छोटी नेकी करने में देर नहीं करते, जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, गुस्सा बर्दाश्त करना और सब्र करना। इन सब कामों के जरिए वो जन्नत के हकदार बन जाते हैं। अगर कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा करते हैं और कोई चीज़ सदका कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों जहन्नुम की आग से अगर चाहे खजूर के एक टुकड़े के साथ ही हो, अगर इसको ना पाए तो अच्छी बात कहते। अलबत्ता नेकियां दूर करती हैं बुराइयों को। सूरतुल बकरा सूरतुल हूद की आयत है। अजीज़ तलबा, हमें चाहिए कि हम भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए नेक कामों में वक्त गुजारे और बुरे कामों से बचे, ताकि हमारी आखिरत की ज़िंदगी उम्दा बन जाए। झूठ बोलना, गीबत करना, दूसरों का हक मारना, धोखा देना, चोरी करना, बज़ाहिर छोटी गलतियाँ नज़र आती हैं, लेकिन ये अजाब का बायस बनती है। और आखिर में आयत है दुनिया आखिरत की खेती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने इस सबक से क्या सीखा? आपने ये सीखा कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लम के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, बुराई से रुकना चाहिए, और हमें नमाज और रोज़े की पाबंदी करनी चाहिए, और हमें हर वक्त अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने दोबारा ज़िंदा होना है, और इस बात पर भी हमें यकीन करना चाहिए। आपने इस रीडिंग को अच्छे से करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।